हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों का अजमेर भूलक में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, किस तरह से जो जंगल झाड़ी आपको दिख रहा होगा चारों ओर, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, चारों ओर जो आपको हरियाली हरियाली दिख रहा होगा। देख लीजिए, परवल का जो ऑपरेशन कर रही है रुकिया जी, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, ये जो परवल है ना, इसको काट के जो इसके अंदर का सीड्स को निकाला जाता है, उसका जो अंदर जो बीज है दोस्तों, उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से जो है खोखला हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और फिर इसको जो है दोस्तों, इसका जो ये जो निकाला हुआ जो जो सीड्स है, जो उसका जो बीज है दोस्तों, उसको फिर मिक्सचर मशीन में पीस के जो इसके अंदर मसाला फ्राई करके जो है फिर से वापस जो है इसके अंदर डाल के जो है फिर ये जो है दोस्तों तेल में फ्राई होगा। फ्राई होने के बाद तब फिर इसका सब्जी बनेगा। तो सारा प्रोसेस जो है रुके जी आपको जो दिखाने वाली है, जैसे कि देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके सारा को जो ऑपरेशन करते जा रही है, डॉक्टर बन गई है सब्जी का, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अचानक से जो देख लीजिए बारिश आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बारिश आ चुका है दोस्तों अचानक से, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर। दोस्तों, अभी जो पूरा तैयारी चल रहा है, जैसे यहाँ वो देख सकते हैं परवल में जो है हल्दी वगैरह लगा दी है रुके जी, और अभी तेल को जो है गर्म कर रही है, और इसमें कुछ कटा हुआ प्याज जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, वो अभी बनाने वाली है। बट काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है, किस तरह से बना पाती है या फिर नहीं पाती, वो सारे कुछ मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों, हम लोगों का देख लीजिए परवल जो है वो फ्राई हो चुका है तेल पे, और अभी जो मतलब प्याज का जो है ना वो फ्राई हो रहा है, प्याज काट के छोटे छोटे भाग में जो है प्याज को काट दिए रुके जी। और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है दोस्तों, गर्मी लग रहा है, लाइट भाग चुका है दोस्तों, और बाहर जो काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रहा है। देख लीजिए अभी जो प्याज फ्राई हो रहा है, ये परवल जो है दोस्तों तेल में फ्राई हो चुका है। देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो प्याज है और क्या है, प्याज लहसुन और आधी जो होता है दोस्तों पीसा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। ये आपका हल्दी हो गया दोस्तों, ये मिर्च का गुड़ी है, मिर्चा पाउडर जिसे बोलते हैं हम लोग, गले में सब मिर्चा का गुड़ी कहते हैं हम लोग, देख लीजिए। और ये आपका जीरा, गोल मिर्च, धनिया का, जीरा, काली मिर्च और धनिया का जो है वो ये पाउडर इसमें ऐड कर दिया गया है। ये नमक हो गया आपका, दोस्तों देख लीजिए, ये जो परवल का अंदर का जो सीड्स होता है दोस्तों, जो बीज होता है, देख लीजिए उसका अंदर का निकाल के जो है
ये जो है बिल्कुल पीस लिया गया था, जिसके आप देख सकते हैं इसको आप इस तरह जो तेल पे ये वाला मसाला पे जो है फ्राई करेंगे। दोस्तों देख लीजिए, रुकिए जी, जो है परवल के अंदर को जो मसाला बनाई थी ना वो डाल रही है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही जो है बारीक से काम करना पड़ता है, एक एक को जो है डालना पड़ता है, देख लीजिए। और यहाँ पर जुबेर बैठा है, जुबेर बैठा है, देख लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से जो है एक एक परवल में जो है हल्का हल्का सा मसाला डालना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए, जो है प्याज और लहसुन का जो है दोस्तों पेस्ट है, इसको जो देख लीजिए तेल में फ्राई किया जा रहा है। देख लीजिए बिल्कुल फाइनली जो रेडी हो चुका है, जिसके देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, देख लीजिए दोस्तों। अब जो है रुकिए जी, जो है ये वाला परवल को जो इसके अंदर पर डालेगी, इस सिरवा के अंदर पर, हम लोग जो विलेज में सिरवा बोलते हैं इसको, तो चलिए देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से जो इस सब्जी को बनाया जाता है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये सारा कुछ डालने के बाद जो है लगभग 5 मिनट इसको पकाना पड़ेगा, फिर से ढक देना है इसको, ठीक है। और ढकने के बाद जब पक जाएगा दोस्तों तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा खाते वक्त, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। गाइस देख लीजिए, वो सब्जी जो है रुकी जी जो बनाई थी, जैसे देख सकते हैं बिल्कुल आपको जो मटन जैसे दिख जाएगा, बिल्कुल ये जो है परवल है दोस्तों, आप लोग घर में ट्राई एक बार जरूर करना इसको बनाने की, काफ़ी ज़्यादा जो स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है दोस्तों ककरोल और आलू का सब्जी है, अरे चावल है, तो दोपहर का खाना दोस्तों यही था। दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह का फैमिली से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।